हेलो गाइस, आपको हम ले चलते हैं रोचक सवालों की दुनिया में। बच्चों के छोटे छोटे रोचक सवाल और हम जान लेंगे आज उनके जवाब। आज का बाल सवाल है, अगर शून्य नहीं होता तो क्या होता? शून्य का तो कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इसके बिना गणित की कल्पना भी अधूरी है। आज हम चांद तक पहुंच गए, इसके पीछे भी शून्य का ही कमाल है। अगर शून्य न होता तो हम दूरी का अंदाजा ही नहीं लगा पाते, न हम नंबर को जोड़ पाते और न ही घटा पाते। गणित के चमत्कारी अंक शून्य का आविष्कार सन 498 में माना जाता है, जबकि इसके पहले 2560 ईसा पूर्व में मिस्र के लोगों ने मशहूर पिरामिड बना डाला। वह चीन की दीवार भी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही बननी शुरू हो गई थी, जबकि किसी भी तरह का निर्माण कार्य गणित के सहारे के बिना मुश्किल है। अंकों के पहले इस्तेमाल का अवशेष अब के इराक और पहले के बेबीलोनिया में मिलते हैं। वे शून्य का इस्तेमाल नहीं करते थे, वे शून्य की जगह खाली जगह छोड़ देते थे। यह एक किस्म का प्लेस होल्डर था। शून्य के आविष्कार से पहले रोमवासी रोमन अंक प्रणाली का इस्तेमाल करते थे तथा चीनी लोग दशमलव संख्या प्रणाली का इस्तेमाल करते थे। संस्कृत में भी 10, 100, 1000 आदि संख्याओं का ज्ञान था, पर किसी को अंकों में लिखना नहीं आता था। सीधे शब्दों में कहे कि अंक बोध था, बस उसे मान्यता नहीं मिली थी। शून्य को मान्यता हमारे भारत ने दी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे शून्य का आविष्कार हुआ, जिसकी सहायता से आज हम हजारों लाखों करोड़ों संख्याओं की गणना कर पाते हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।